चेंज इंडिया अभी तैयार हो चुका है एक बदलाव के लिए, और अभी बस अभी और नहीं, एक ही सरकार और कितना दिन, अभी तो कुछ बदलाव भी हम लोग एज सिटीजन मांग रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार चेंज होना एकदम बेशक होने वाला है, कुछ अपने नेशनैलिटी के अंदर एक साथ जुड़ना चाहिए, ना कि किसी रिलीजन के अंदर। अभी बस अभी और नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा बहुत खराब लगता है जब हम किसी और दूसरे जात को नीचा दिखाते हैं उनके जात के देश के लिए। कांग्रेस है, हाँ, और रहेगी ऑलवेज परफेक्ट, और ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ओबीसी और जो अलग जो दूसरे जो कास्ट है उनको भी थोड़ा सा तो अभी चाहिए कुछ, क्योंकि बहुत हो गया हिंदू हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, और जो लोग ये हिंदुत्व के नारे लगा रहे उनको खुद को उतना अच्छा नहीं पता होगा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फर्क है। अरे वो कैसा हिंदू है नरेंद्र मोदी जो मां मरने के बाद मुंडन नहीं किया, वो हिंदू कैसा हो सकता है? और मंदिर उद्घाटन करेगा ब्राह्मण पंडित ने, उसको किसने टीका दिया? वो देखो शंकराचार्य, हिंदुस्तान में चार शंकराचार्य होते हैं, चारों के चारों विरोध किए हैं। ये तो सब खाली ईवीएम हटा दो, बीजेपी का वोट 15% के नीचे आ जाएगा। जब ईवीएम है 400 क्यों, आउट ऑफ 500 वो 600 भी मार सकता है। फिर इस यात्रा का मतलब क्या? यात्रा का मतलब जो अवेयरनेस है, ये देश का नौजवान, देश का रिटायर्ड आदमी, सबका दिल में जो दर्द है उसको मिटाने के लिए राहुल जी का यह यात्रा है। नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, देश में भाईचारा बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आप बताइए तो बीजेपी आने से पहले हिंदू मुस्लिम का यह तनाव थोड़ी था, बंगाल में आज भी नहीं है ये तनाव, पूरा हिंदुस्तान में कोई था नहीं, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है उसका, बंगाल में अभी तक भी उतना नहीं है। 10 साल में अगर कुछ तरक्की किया तो अभी 5 किलो राशन बांटना क्यों पड़ रहे हैं? क्या फील कर पा रहे हैं ये जो भीड़ है, आपको लग रहा है कि केवल बस लोगों की भीड़ है जो देखने भर के लिए आई है, या कोई मैसेज आपको जो है यहाँ पर फील हो रहा है? देखिए जब सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना, जब सेलिब्रिटी लोग आते हैं तब तो कुछ देखने के लिए भीड़ होता है, लेकिन ये राहुल जी का ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इसे कुछ खासियत है कि अभी हिंदुस्तान में बहुत समस्याएं से जूझ रहे हैं, तो वो समस्याएं को राहुल गांधी एकदम राइटली उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं इसका असर तो पड़ेगा। ये लोग देखने के लिए आ रहे हैं या फिर कोई कनेक्ट भी आप फील कर पा रहे हैं कि कोई कनेक्ट भी है राहुल के साथ, जुड़ाव भी कुछ हो रहा है? कनेक्ट तो बेशक है, क्योंकि हमारे देश ने अभी रिलीजन वाइज सेग्रीगेशन को त्याग कर दिया है, और हम, मेरे को ऐसा बहुत लगता है कि हम लोगों को अभी देश के लिए अपने नेशनैलिटी के अंदर एक साथ जुड़ना चाहिए, ना कि किसी रिलीजन के अंदर, ये मेरा है। और राहुल जी का देखने का जज्बा तो सभी के दिल में है, देखने का जज्बा। मैं सवाल यही है, लोग यही जानना चाहते हैं कि भीड़ तो आ रही है, लोग तो आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि कोई ग्राउंड है जिसको भर दिया जा रहा है, बल्कि लोग सड़कों पर खड़े हैं, दोनों कतार लगा करके दोनों तरफ खड़े हैं, और जहां से तकरीबन यात्रा निकलती है तकरीबन पूरा पूरा गांव या ज्यादातर लोग 60% लोग 70% लोग आते हैं, लेकिन वोटों के तौर पर क्या ये तब्दील हो पाएगा? वोट भी इतने लोग देंगे? Absolutely, I think India is ready for a change. India अभी तैयार हो चुका है एक बदलाव के लिए, और अभी बस अभी और नहीं, एक ही सरकार और कितना दिन, अभी तो कुछ बदलाव भी हम लोग एज सिटीजन मांग रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार चेंज होना एकदम बेशक होने वाला है कुछ। आप कह रहे हैं कि अभी बस, यानी सरकार के लिए कह रहे हैं कि एकदम अभी बस अभी और नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा बहुत खराब लगता है जब हम किसी और दूसरे जात को नीचा दिखाते हैं उनके जात के, तो ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है हमारे देश के लिए, जहां कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट पेज में ही है सेक्युलर सॉवरेन रिपब्लिक इंडिया, तो ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है अभी बस। तो आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और आप खुद इस यात्रा का हिस्सा हैं,
लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा ने कल एक फोटो एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक तरफ उन्होंने एक विंडो में लगाया कि देखिए राहुल गांधी की यात्रा जब हिंदू इलाके से निकलती है तो वो बस में बैठे रहते हैं और यात्रा जब मुस्लिम इलाके से निकलती है तो वो गाड़ी की छत पर आ जाते हैं। तो क्या ये वाकई ऐसा है कि हिंदू जो है वो ज्यादा निकल करके नहीं आ रहे हैं, मुस्लिम ज्यादा निकल करके आ रहे हैं? अभी इंसान का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसका रिलीजन। अभी अगर आप एक पार्टी का होके अभी हर वक्त अगर उसी जगह पे आप लोग उनको पोक करोगे तो ऐसा होगा ही कि आपको आपका जो अंदर का जो रिलीजियस इंसान है वो निकल के आता है। लेकिन अगर आप देश की बात कहें तो बेशक देश के लिए कांग्रेस है, हाँ, और रहेगी ऑलवेज परफेक्ट, और ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ओबीसी और जो अलग जो दूसरे जो कास्ट्स हैं उनको भी थोड़ा सा तो अभी चाहिए कुछ, क्योंकि बहुत हो गया हिंदू हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, और जो लोग ये हिंदुत्व के नारे लगा रहे उनको खुद को उतना अच्छा नहीं पता होगा कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फ़र्क है। तो रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि अपना थोड़ा डेटा जांच ले फिर ये नारे लगाए फिर ये चिल्लाए देश में तो अभी। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरह से एक चीज राहुल गांधी पर लगातार चिपकाई जा रही है या कांग्रेस पार्टी पर जो चस्पा किया जा रहा है कि मुस्लिम पार्टी है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वोटों के तौर पर भी बड़ा नुकसान होता है और बीजेपी के लिए खास तौर पर चुनाव के बाद चुनाव के समय में बहुत आसानी से जो है वो इस चीज को क्वाइन कर दिया जाता है, इस चीज को उछाल दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम। अब राजस्थान के चुनाव में भी आखिरी में नरेंद्र मोदी का सारा फोकस कन्हैया लाल के ऊपर हो गया, कर्नाटक के अंदर पूरा फोकस बजरंग बली के ऊपर हो गया। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर काम करने की जरूरत है या जबरदस्ती जो है कांग्रेस के ऊपर चिपकाया जा रहा है? ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये तो कोई भी कुछ भी बोल ले, हमें क्या, हम जो लोग सपोर्ट करते हैं हम लोग तो करेंगे, और हमें क्या ये बोले ना कुछ भी लोग, हमको अपना काम करते रहना चाहिए। यही है कि जो बार बार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस तुष्टिकरण का या जो है वो कांग्रेस को अपीजमेंट का जो आरोप है, मुस्लिमों के अपीजमेंट का जो आरोप कांग्रेस पर लगता है, तो चुनाव में क्या आपको लगता है कि इसको जो है वो छुटकारा पाए जाने की जरूरत है या आपको लग रहा है कि ये एक जो है वो मनगढ़ंत तरीके से चिपकाया गया है सिर्फ? मैं बोल रही ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है वोट्स खींचने के लिए और कुछ नहीं। आप एक ब्राह्मण भी है और आप खुद भी कह रहे कि मैं हिंदू हूँ, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के बीजेपी की तरफ से जो माहौल तैयार किया जा रहा है तो उस पर जो है वो लोग वोट करेंगे या फिर इस बार चुनाव में लोगों के मुद्दे कुछ अलग होंगे? क्योंकि ये तो लोग ही जाने लोग क्या करेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल चेंज अनिवार्य है, चेंज तो होना चाहिए। अभी आप दोनों साथ साथ हैं? मेरी बेटी है। अच्छा, आपका 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 जो आते हैं ना फेसबुक में वो तो दिन में कम से कम 8-10 देखते हैं हम आपका। आप ऑन करो, आप जो ब्राह्मण कह रहे हो हिंदू कह रहे हो, अरे वो कैसा हिंदू है नरेंद्र मोदी जो मां मरने के बाद मुंडे नहीं गया, वो हिंदू कैसा हो सकता है? वो हिंदू का ठिकाने है जो मां मरने के बाद मुंडन नहीं करते, वो हिंदू कैसे हैं? ये बताओ आप। और मंदिर उद्घाटन करेगा ब्राह्मण पंडित ने, उसको किसने ठिका दिया? वो देखो शंकराचार्य, हिंदुस्तान में 4 शंकराचार्य होते हैं, चारों के चारों विरोध किए हैं। ये तो सब खाली ईवीएम हटा दो, बीजेपी का वोट 15% के नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बीजेपी का, कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत है, नफरत है, नफरत है। ये आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी मंदिर को लेकर के एक माहौल बना रही है तो उससे कोई फायदा होगा? क्योंकि बीजेपी तो यही सोच रही है कि मंदिर को लेकर के अब की बार 400 पार तक हम लोग चले जाएंगे। अरे जब ईवीएम है 400 क्यों, आउट ऑफ 500 वो 600 भी मार सकता है। फिर इस यात्रा का मतलब क्या? यात्रा का मतलब जो अवेयरनेस है, ये देश का नौजवान, देश का रिटायर्ड आदमी, सबका दिल में जो दर्द है उसको मिटाने के लिए राहुल जी का ये यात्रा है। इससे वोट का क्या मतलब मेरे को पता नहीं है, लेकिन देखो चोरी चोरी तो जीत रहे हैं, लास्ट टाइम वो तो सोल्जर लोगों का शहीद हुआ उसके बल पे उठा। आप देखो
क्या मिलता है? ये सीनियर सिटीजन का रेलवे कॉन्सेशन हटा दिए हैं, सबके सब कॉर्पोरेट टैक्स दिन का दिन कॉर्पोरेट टैक्स का कम कर रहे हैं इनकम टैक्स में। सारी सुविधाएं जो हैं वो बड़े व्यापारी और अमीर लोगों को दिया जा रहे हैं, गरीब को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, देश में भाईचारा बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आप बताइए तो बीजेपी आने से पहले हिंदू मुस्लिम का यह तनाव थोड़ी था, बंगाल में आज भी नहीं है ये तनाव, पूरा हिंदुस्तान में कोई था नहीं, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है उसका, बंगाल में अभी तक भी उतना नहीं है। लेकिन एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा कि इस वक्त में बीजेपी को चैलेंज करना वो बहुत टेढ़ी खीर है। इस वक्त में जो है वो बीजेपी अपने पूरे उफान पर है, हिंदुत्व की लहर पूरे उफान पर होगी और अब की बार जो है वो नहीं हो पाएगा, ऐसे से जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा। देखिए मेरे को तो नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता है, ईवीएम हटा के इलेक्शन करें तब पता चलेगा कितना पानी है। खेल तो ईवीएम में है और देखो हिंदुस्तान आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ था, अचानक फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आ गया है, पैलेस्टाइन को वो सपोर्ट नहीं करके वो इजरायली को कर रहे हैं। जहाँ तक हटाओ ना हटाओ राहुल गांधी रुको रुको एक मिनट थोड़ा बात करेंगे बात करें। हाँ बोलिए। ये इसराइल को सपोर्ट करने का जो मेन कारण है, इजरायली जो साइंटिस्ट है वो वर्ल्ड का नंबर वन होते हैं, जहाँ तक सूत्र के मुताबिक पता चला ईवीएम हैकिंग भी वो इजरायली साइंटिस्ट से कराते हैं। पेगासस का जो आरोप लगा वो भी इजरायल का ही सॉफ्टवेयर। और क्या है, खोखलापन है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान एंड चाइना में जीडीपी का जो काउंटिंग का जो सिस्टम है, सारा दुनिया सारा विश्व का अलग है, हिंदुस्तान का अलग है। तो आपको लग रहा है कि आपको आपकी बेटी के साथ यहाँ पर आप आए हैं और ये आप कार्यकर्ता है या कॉमन मैन है? कुछ नहीं, कॉमन मैन है, कॉमन मैन है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ इसमें आना जरूरी है? हाँ क्यों? मैंने क्या बोला, ये जो न्याय यात्रा जो है, जो अन्याय हो रहे हैं अल्पसंख्यक के साथ, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये इतना इतना देखो इतना बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर 10 साल में कुछ तरक्की किया, 10 साल में अगर कुछ तरक्की किया तो अभी 5 किलो राशन बांटना क्यों पड़ रहे हैं? लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लोगों की जो भीड़ आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि लोग ये भी पूछते हैं, थोड़ा आप इस साइड में हो जाइए क्योंकि अब धक्का मुक्की और अब राहुल जो है वो, एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको फिर आपसे फिर दोबारा बात करेंगे कि तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी की बस इस वक्त जो है वो बंगाल में प्रवेश कर चुकी है और बंगाल में इस वक्त यात्रा अब आगे चलेगी। और जिस तरह से 5 राज्यों में रिस्पांस दिखा, क्या उस रिस्पांस को बरकरार रख पाएंगे? क्या राहुल गांधी, देखिए राहुल जी, राहुल जी सर एक बार हाथ मिलाइए सर, हम बहुत आपका न्यूज़ देख रहे हैं सर। सवाल करो, जो जवाब देता उसको सवाल करो ना। नहीं नहीं मैं सवाल ही कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। तो ये आपको लग रहा है कि यात्रा में जितने लोग आ रहे हैं, जितनी भीड़ आ रही है, वो वोटों में भी उतना ही तब्दील होगी? हाँ हाँ वो तो हो गई, 100% होगा, वो तो हो गई। दीज पीपल्स, जितनी जो राहुल गांधी की जो आंधी दिखाई दे रही है, ये वोटर के अंदर गिनती होगी। वी आर नॉट टॉकिंग एक्चुअल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वोट्स, वी आर नॉट गेसिंग अबाउट द वोट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल थिंग्स। लेकिन जो देश में जो अन्याय हो रहा है, एवरी एंगल आपने देखिए, किसी भी एंगल में देखिए जो अन्याय हो रहा है। अगर आप मणिपुर के बारे में देखिए, मणिपुर के मेहती और नागा और कुकीज के अंदर जो दोनों में जो झगड़ा लगा कर आग लगा दी गई मणिपुर में, वो तो नंबर वन एग्जाम्पल है। अगर आप अगर थोड़ा पीछे गए तो आप रोजगार कहाँ पर है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो बात हो रहा है। लेकिन बीजेपी अब तो बात कर रही है कि मंदिर हो ही गया है, तो देखिए मंदिर के बारे में अगर आप बहुत अच्छा सवाल करें, मंदिर के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, अयोध्या के बारे में, भगवान श्री राम जी का जन्म स्थल के बारे में पूछ रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी हो या अमित शाह जी हो या देश के प्रधानमंत्री का कभी चेहरा देखे हो, शिखर के ऊपर जो तोड़ने वाला कौन है नहीं रहेगा। अगर आप 1992 के बारे में देखिए सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कहा है नरेंद्र मोदी जी। अगर आप 1996 राजीव गांधी के पीरियड में देखिए, 1984 से लेके इतिहास अपनी जगह पर है। एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि इतिहास तो है, वो यहाँ पर खड़े लोगों ने पढ़ा भी है, कौन कहाँ पर था, कौन किसने क्या तोड़ा, कौन क्या बना हुआ था, वो सबको पता है। लेकिन अब आगे आज की तारीख में और आज की तारीख के बाद में, अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की अगर बात करें, तो क्या असर नहीं है, क्या जो है वो लोग उस पर नहीं जाएंगे, लोगों के मुद्दे अलग होंगे, ये सवाल है। देखिए मुद्दे की बात अलग है, देश में आज स्थिति क्या है, मंदिर की स्थिति नहीं है। भगवान श्री राम जी का मंदिर लेके सामने जाना देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं है, लेकिन देश के जनता का प्रॉब्लम क्या है, सो दैट इज द थिंग। मंदिर तो सभी के मन में है, सो ऑल आर बिलोंग्स टू द शास्त्र संस्कार, लेकिन वो शास्त्रों के संस्कार के हिसाब से मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ क्या? ये तो पाप देश के प्रधानमंत्री करे, ये तो अपने जब आचार्य जब बोल रहे हैं, यानी के इस हिंदुस्तान के संस्कारी जो बोल रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैज टेकन द गुड स्टेप और नॉट, लेकिन बात ये नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस किस चीज के लिए राहुल गांधी ने लेके निकली है मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, ये जो सोचना चाहिए कि देश में कितनी बेरोजगारी हुई, कितना अचीव कर रहे थे वो, कितना अन्याय हो रहा है महिला के ऊपर, कितना अन्याय हो रहा है, और किसानों की डबल दुगनी हुई क्या? ठीक है, किसानों को ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं, और सवाल यही है कि लोगों की मानसिकता अब किस तरह की है, क्या लोग अब जो मुद्दे दिखाए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं उन पर ज्यादा लोगों का फोकस है, या लोगों का उनके खुद के मुद्दों को लेकर के ज्यादा फोकस है? सवाल यह है कि लोग अब उन मुद्दों को लेकर के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, या उन मुद्दों को लेकर के लोग जो है वो ज्यादा चिंतित हैं, या उनके लेकर के ज्यादा क्रेजी है जो मुद्दे उनके सामने रखे जा रहे हैं, या वो मुद्दों को लेकर के लोग अब जो है वो बात करने लगे हैं जिनसे वो लगातार पूरा अपना सुबह से लेकर के शाम तक दो चार होते रहते हैं, तो अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, जो लोगों की आम परेशानियां हैं वो लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं, या टीवी में या नेताओं के भाषणों में जो चीज़ें उछाली जा रही है वो लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है, तो सवाल ये है। और एक आम आदमी तक कितनी चीज़ें पहुँच रही हैं, और एक आम आदमी उन चीज़ों को कैसे देख रहा है, कैसे समझ रहा है, और अपने तरीके से कैसे उनको आगे गढ़ रहा है, और कैसे उन पर बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहरहाल अब बंगाल में ये यात्रा पहुंच चुकी है, बंगाल के लोगों से इसी तरह से बात करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे, और बंगाल के लोग इस बार क्या करेंगे, क्योंकि मत भूलिए कि विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, बीजेपी एक दौर था जब दो सीटों की यहाँ पर पार्टी थी, लेकिन अब वो बीजेपी नहीं है, अब वो बीजेपी एक अलग तरह की बीजेपी है। विधानसभा चुनाव के अंदर भी उस बीजेपी का एक अलग रूप देखने को मिला, वो बात सही है कि 150 सीटों की बात अमित शाह ने कही, लेकिन 150 सीट तो छोड़ दीजिए, आधी सीटों पर ही जो है वो बीजेपी रुक गई, लेकिन 18 सीटें पिछली बार आई लोकसभा के चुनाव में, तो यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता अब इस बार क्या देख रहे हैं, अब इस बार क्या सोच रहे हैं, और वो बीजेपी क्या अब दोबारा से लोगों, यही लोग यही मतदाता क्या उस बीजेपी को अब वापस से दो सीटों की पार्टी की तरफ जो है वो भेज रहे हैं, या फिर अब जो है वो बीजेपी एक नए रिकॉर्ड की तरफ यहां से बढ़ जाएगी, लोगों का समर्थन इस तरह से मिलेगा, सवाल फिर ये भी है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और लोगों ने यहां पर जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।